अभी अब आप इंतजार कीजिए, हम अभी दक्ष भैया को भेजते हैं। अरे अरे क्या हो रहा है ये सब, चलो चलो यहाँ से। क्यों सता रहे तुमसे अनुपमा को? चलो लड़कियों चलो यहाँ से। शादी की पहली रात मुबारक हो। कितनी शांति मिले, चली गई मनहूस इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। अब इस घर पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। राम 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 न माया पुत्र, राम झूठ ना बुलाए, राज तो तू कर लेगी पर तू राज करेगी किस पर है? क्या मतलब? मतलब ये कि अब तक तो तू अनुपमा के ऊपर जुल्म कर करके है अपना टाइम पास करती रहती थी। अब उसके जाने के बाद बोर नहीं हो जाएगी तू? ना ना मेरा क्या है, है? बस राम नाम का नाम लेते लेते बस अपना टाइम पास कर लिया करूंगी, तू किसके सहारे अपना वक्त गुजारेगी? अरे छोड़ो माँ, तुम्हें मेरी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी चिंता करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए मेरी बेटी है रिधिमा। लेकिन मॉम आपसे ये किसने कह दिया कि मैं आपका साथ दूंगी? रिधिमा प्लीज बेटा, तू अब तक अपनी माँ से नाराज है? बेटा जरा सी बात आपकी वजह से आज पापा मुझसे नफरत करने लगे हैं। उनके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है और आपके लिए ये अब भी जरा सी बात है। और रिधिमा पुत्र इसका क्या खोया है? कल तक मैं दमाद जी की नजरों से गिरी थी, आज तू दमाद जी की नजरों से गिर गई है। अब हमारी इस हालत की जिम्मेदार तो ये महान आत्मा ही है ना, जो इतने बड़े बड़े कार्य करती है इस घर में। राम माँ, नानी ठीक कह रही है। आज मुझे एहसास हुआ कि आपका साथ देकर मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अरे आपसे अच्छी तो अनुपमा थी, जो मेरे 1000 सुम सहने के बाद भी कभी उसने मेरा बुरा नहीं चाहा।
उल्टा हमेशा मेरी अच्छाई ही की है, हमेशा पापा के सामने मेरी गलतियों को छुपाया है। और आप मेरा बच्चा, बेटा जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना, अब जो कुछ भी हुआ है उसे तू भूल जा, तू जो कहेगी मैं वो करूंगी, प्रॉमिस। बस मुझे पहले वाली रिद्धिमा वापस दे दे, मेरे पास आ जा बेटा। तो ठीक है मां, आप मुझे मेरे पहले वाले पापा लुटा दीजिए, उनका पहला वाला प्यार लुटा दीजिए, और फिर आपको आपकी पहले वाली रिद्धिमा भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो भूल जाइए कि आपकी रिद्धिमा नाम की कोई बेटी भी थी। रिद्धिमा, मैं जानती हूं रिद्धिमा कि तुझे किसी भी और चीज से ज्यादा उस अनुपमा से हार का दुख है, और तेरा यही दुख गुस्सा बनकर मुझ पर बरस रहा है। लेकिन चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे उस मनहूस से इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगी। अन्नों से ऊंचा खानदान और दक्ष से ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढकर मैं तेरे लिए लाऊंगी। यही एक रास्ता है तेरा दिल जीतने का। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, मुझे अपने कल को भुलाकर दक्ष के आज को अपनाना होगा। लेकिन क्या मैं उन यादों को भुला पाऊंगी जो कल तक मेरी जिंदगी थी? कैसे करूंगी मैं ये सब, कैसे कर पाऊंगी दक्ष की नजरों का सामना? डरो मत, मैं तुम्हें छूंगा नहीं। रिलैक्स अनु, मुझे हमारे बीच की इस दूरी को कम करने की कोई जल्दी नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए सबको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है। मेरा मतलब है, मैं जानता हूं कि तुम चैतन्य को अब तक भूल नहीं पाई हो। चैतन्य तुम्हारा पहला प्यार था, और पहले प्यार को भूलना इतना आसान नहीं। तुमने ये शादी सिर्फ अपने पापा की खुशी के लिए की है, ये भी मैं जानता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना सकूं। इसीलिए जब तक मैं तुम्हारे दिल के करीब नहीं आ जाता, तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, और तब तक हम सिर्फ अच्छे दोस्त बने रहेंगे। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सब मैंने किसी के प्रेशर में आकर किया है, या ऐसा करके तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे। ये फैसला मेरा अपना है अनु, जो मेरे दिल ने किया है। सो लेट्स बी फ्रेंड्स। आज मैं आपसे प्यार नहीं करती, भले ही चैतन्य की यादें मेरे दिल में, लेकिन आज मेरे दिल में
आपके लिए इतनी इज्जत हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। ये शादी तो मैंने अपने पापा की खुशी के लिए की थी, पर अब लगता है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। दक्ष, आप इंसान नहीं, फरिश्ता है मेरे लिए। इस वक्त आप सोई नहीं? मेरी बात छोड़ो, लेकिन इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। यानी वाकई तुम कहीं बाहर जा रहे हो? आज तुम्हारी सुहागरात है दक्ष, और अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर तुम? मैं जानता हूँ भाभी कि अनुपमा मेरी पत्नी है, पर वो मेरा प्यार तो नहीं है ना। पर ना ही मैं उसका प्यार। ये शादी भी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कहने से की भाभी। हाँ दक्ष, लेकिन लेकिन कुछ नहीं भाभी। आपने कहा कि दादाजी की प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में जाने से बचाने के लिए मुझे शादी करनी होगी, क्योंकि अगर हमारे खानदान की प्रॉपर्टी ट्रस्ट में जाती है तो उससे हमारे खानदान का, दादाजी का नाम खराब होता है। सो इसीलिए मैंने ना चाहते हुए भी सिर्फ आपके कहने से इस शादी के लिए हाँ कह दी। आपको जैसे सीधी साधी लड़की चाहिए थी, वैसी एक सीधी साधी भोली भाली लड़की से शादी भी कर ली। लेकिन बस भाभी, बस अब और नहीं। अनुपमा से बिना प्यार के शादी करके पहले ही मैं उसके साथ गलत कर चुका हूं। अब एक पति का हक जता के मैं उसके साथ
और बड़ी गलती नहीं करना चाहता। दादाजी की वसीयत के मुताबिक मुझसे शादी के बाद सारी जायदाद अनुपमा के नाम हो चुकी है और एक साल के बाद वो अपनी मर्जी से सारी जायदाद मेरे नाम पे कर दी और उसके साथ हमारी शादी का मकसद भी पूरा हो जाएगा। यानी तुम अनुपमा को अपनी पत्नी होने का दर्जा कभी नहीं दोगे? नहीं भाभी, अनुपमा जैसी मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म करने की हिम्मत मुझमें नहीं है। अनुपमा मेरी पत्नी है और हमेशा मेरी पत्नी रहेगी और इस घर में उसे हर वो हक मिलेगा जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए और मैं उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा भाभी, सिवाय अपने प्यार के। मैं उससे प्यार नहीं करता भाभी और उससे प्यार करने का झूठा दिखावा भी नहीं करूंगा। और अगर अनुपमा ने अपने पत्नी होने का हक मांगा तो और तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी करने से इनकार कर दिया? नहीं भाभी, नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। भले ही वो मेरे दिल में ना रहती हो पर उसके दिल को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसके दिल में ये धन दौलत के लिए कोई जगह नहीं और ना ही वो उन लड़कियों में से है जो कभी अपना हक मांगे। वो इस घर में रहकर सिर्फ अपने बहू होने का फर्ज निभाएगी और ये घर उसे बहू होने का हर हक देगा। लेकिन हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब सब कुछ ठीक होगा। अनुपमा के रहते धनंजय और मीरा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। लाडले पोते दक्ष की शादी में शामिल ना हो सके, लेकिन कोई बात नहीं दादी माँ, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूं। लीजिए ना दादी माँ, ये मिठाई दक्ष की शादी की खुशी में नहीं है बल्कि इस खुशी में है कि दक्ष ने अनुपमा की मांग भरने के बाद भी उसे अपनी पत्नी नहीं स्वीकारा है। बेचारी अनुपमा, क्योंकि दक्ष ने अनुपमा से शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर की है। और मैंने ये शादी क्यों करवाई है ये तो आप अच्छी तरह से जानती होंगी। आपके पति की वसीयत के मुताबिक ये सारी जायदाद दक्ष के नाम हो जाएगी और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, वो रावण की लंका, वो भक्त प्रहलाद, लेकिन तेरी कोई भी बद्दुआ मुझे यहां तक पहुंचने से नहीं रोक पाई है और आगे भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी, ना तू और ना तेरी अनुपमा। और जब तक दक्ष मेरी मुट्ठी में है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये तेरी गलत फहमी है मीरा कि कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भले ही दक्ष तेरी मुट्ठी में हो, भले ही दक्ष आज तेरी बातों में आकर अनुपमा को ना अपनाए, इससे मेरी अनुपमा कमजोर नहीं पड़ेगी क्योंकि शिव ने भी पार्वती को अपनाया नहीं था लेकिन पार्वती ने अपनी तपस्या से शिव जी को जीत ही लिया था। मेरी अनुपमा तो दक्ष की सुहागन है। देखना एक दिन आएगा जब वो दक्ष के दिल को जीत लेगी
और तेरे गुरूर को भी। और वो दिन इस घर में तेरे जुल्मों का आखिरी दिन होगा मीरा। तुम ये सिंदूर नहीं लगा सकती भाभी।